हम में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑफलाइन वीडियोस डालते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो अपनी माइक की क्वालिटी से, ऑडियो क्वालिटी से खुश नहीं होते हैं। और ये माइक नॉर्मली वो माइक होते हैं जो जिसमें हम लोग शुरुआत है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लैव माइक्स होते हैं जो हम लोग कॉलर वगैरह में लगा लेते हैं, या फिर वो माइक्स होते हैं जो हम लोगों को गेमिंग हेडसेट में मिलते हैं, वो स्टिक जैसी होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं होती और वॉइस ओवर उतना इंप्रेसिव वगैरह नहीं होता। तो इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सबसे बेहतरीन माइक्स में से एक जो हमारे हाथ में है, हमारे पॉकेट में है, हमारा स्मार्टफोन। हम लोग कोशिश करेंगे कनेक्ट करेंगे उसको अपने पीसी से और वहीं से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए माइक्रोफोन फॉर वॉइस ओवर्स एंड फॉर लाइव स्ट्रीम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि जो हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग अपने स्मार्टफोन को एज ए पीसी माइक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसमें कोई आप ऐसा कोई चेंज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सीधे जो आपका जो क्वालिटी है माइक की वो सीधे एकदम 8-10-12 हज़ार रुपये के प्रोफेशनल जो एक माइक होता है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक बहुत मैसिव अपग्रेड होगा बहुत सारे लैव माइक्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में उनसे, या उस माइक से जो हम लोग अपने हेडसेट्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो गेमिंग हेडसेट्स हम लोग पहनते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी मैसिव अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है वो माइक। फटाफट से ब्राउज़र खोलते हैं, डाउनलोड करते हैं इसको। मैं क्लिक करता हूँ क्रोम पर और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे वो माइक। सो इट विल बी WO एंड ऊपर ही है वो माइक। क्लिक करके खोलते हैं इस साइट को और यहाँ से हम लोगों को इसी पेज से दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत छोटे छोटे जो इंस्टॉल करने हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉल क्लाइंट फॉर पीसी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक दूसरा इसी के ठीक नीचे है वो माइक डिवाइस ड्राइवर फॉर विंडोज़। इन दोनों को क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है। अब इनको बारी बारी से इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ जो कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा उस पर, और वही नॉर्मल जैसे कोई भी एक सेटअप होता है नॉर्मल एक सेटअप रन होगा और ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको साइड में करता हूँ जिससे आप देख पाएँ। ऑटो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये फटाफट से इंस्टॉल हो गया। और इसके बाद इसके ड्राइवर्स जो हम लोगों ने दूसरी फाइल डाउनलोड की है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, वो माइक ड्राइवर सेटअप। और ओके, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन से वर्जन विंडोज़ है और कौन कितने बिट पे है, 32 पे या 64 पे। तो यहाँ मैं विंडोज़ 1064 कर रहा हूँ इंस्टॉल। और यहाँ पे आ रहा है कि हम अपडेट करने के लिए कह रहा है तो अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे इतना सिंपल प्रोसेस है कंप्लीट करने का। अभी हम लोगों को क्या करना है कि यही वो माइक ऐप हम लोगों को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन पे। तो फटाफट से वहाँ पे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग आ गए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग खोलते हैं प्ले स्टोर और ओपन करते हैं, सर्च करते हैं वो माइक ऐप। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैं WO वो माइक, और आप देख रहे हैं कि ऊपर ही आ रहा है इंस्टॉल करने के लिए। फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरफेस दिखाऊंगा इसका कि ये इंटरफेस कैसा है। एक्चुअली ये जो पूरा ऐप है इसका इंटरफेस देखने में कैसा है। एक्चुअली ये ऐप जो है वो बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को देखता है कि हम लोग USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपने अपने स्मार्टफोन को PC से, या ब्लूटूथ के थ्रू, या वाईफाई के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग USB का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि USB अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसमें लेटेंसी ज़ीरो होगी, फट से जो सिग्नल है वो पहुंचेगा। और दूसरी बात ये कि वाईफाई में कई बार और भी दिक्कतें आती हैं, अगर वाईफाई शेयर्ड है आपके घर का तो उसमें कंजेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए एडवाइस ये है कि आप लोग USB से ही कनेक्ट करें इसको जब भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑप्शन हैं उनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ओपन करके देखते हैं अभी वो माइक ऐप ओपन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइड में जो बार आपको दिखाई दे रही है ये बार एक्चुअली क्वालिटी है, एक तरह से गेन है कि कितना गेन जाएगा। तो अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पे नहीं करने वाले, हम लोग फ्री वाले से काम करेंगे। और इसके अलावा सेटिंग्स देख लेते हैं। मैं टैप करता हूँ सेटिंग्स वाला जो कॉग व्हील है उस पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को ऑप्शन है ब्लूटूथ, USB, वाईफाई या वाईफाई डायरेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग USB का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, यही रहेंगे। ऑडियो सोर्स मैंने फ़िलहाल हम लोग इस सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको सबको ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं। और बाहर निकलते हैं यहाँ से और अभी हम लोग एक कनेक्शन करते हैं अपने स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन वाले वो माइक का PC से।
वो माइक डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट किया। और आप लोगों को दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये कि आपको इंस्टॉलेशन के बाद एक बार पीसी रीस्टार्ट ज़रूर करना है, और दूसरा ये कि आपने जो स्मार्टफोन में ऐप डाला है वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने स्मार्टफोन में आपको डिवेलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। तो अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जस्ट बिकॉज कि हम लोग यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन इनेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ वो माइक क्लाइंट पे, और यहाँ पे आपको वो माइक क्लाइंट दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली मेरे को क्या करना है कि जो इंटरफेस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें जो प्ले वाला बटन है उस पर टैप करना है, जिससे कि ये साउंड को रिकॉर्ड करना शुरू कर सके। और अभी हम लोग जाएंगे कनेक्शन पे, क्लिक करते हैं कनेक्ट, और यहाँ मैं चूज़ करूँगा यूएसबी। ओके, और आप देख रहे हैं नीचे लिखा आ रहा है कनेक्टेड। तो हमारा माइक अभी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग जहाँ चाहें इसे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग खोलते हैं OBS, और OBS में दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो भाई लोग टिपिकल OBS इंटरफेस, और यहाँ पे हम लोगों को चूज़ करना है जो अपना माइक है उसको। हम लोग माइक ऑक्स का ये जो ऑडियो मिक्सर में सेटिंग है, इसमें जो सेटिंग कॉग है इस पर क्लिक करते हैं, चूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़, और ये जो पूरा बॉक्स खुलेगा यहाँ से हम लोगों को सोर्स चूज़ करना है, डिवाइस चूज़ करना है। आप देखिए लिखा आ रहा है माइक्रोफोन वो माइक डिवाइस, क्लिक करते हैं इस पर, करते हैं ओके। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप ये देखिए कि जो मिक्सर है उस पर नोटिफिकेशन आने लगा है कि जो हमारा स्मार्टफोन जो भी हमारी वॉइस कैच कर रहा है वो हमारा जो OBS है उसको रिसीव करना उसने शुरू कर दिया है। इन केस कुछ भाई लोग ऐसे हैं हो सकते हैं जिनको ये चीज़ ना हो, ये ना शो हो, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जाएँगे अपने जो PC है उसकी सेटिंग्स में, क्लिक करते हैं सिस्टम पर, सिस्टम के बाद साउंड, और यहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लें कि साउंड पे आने के बाद जो इनपुट डिवाइस है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इनपुट डिवाइस जो है वो यहाँ पे माइक्रोफोन वो माइक डिवाइस होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो माइक डिवाइस चूज़ नहीं है तो क्लिक करके चूज़ कर लीजिए उसको, एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो जो वीडियो का लास्ट पार्ट है उसको हम लोग शूट करेंगे इसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके, जो अभी अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है अपने स्मार्टफोन को। और इसमें कुछ फ़िल्टर्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, OBS में जो कुछ फ़िल्टर्स होते हैं माइक के उनको इस्तेमाल करेंगे, और इन फ़िल्टर्स की सारी वैल्यूज़ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये जो फ़िल्टर्स की वैल्यू है ये अलग अलग पोजिशन, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती हैं। अभी जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ इट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट हीयर, तो हो सकता है कि आपके पास नॉइज़ ज़्यादा हो या कम हो, सबका एम्बियंस जो अलग अलग एटमोसफियर होता है सबका अपना। तो इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि OBS में कैसे अलग अलग ऑडियो फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इतना सिंपल है, अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिएगा, और कंक्लूड करते हैं वीडियो। तो भाई लोग ये रिकॉर्डिंग जो आप सुन रहे हैं ये हो रही है वो माइक से हमारे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, एंड आई होप ये क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे हैंड्स फ्री माइक हैं या हमारे लैब माइक हैं या हमारे गेमिंग हेडसेट्स में आने वाले जो माइक हैं उनसे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है, आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।